सब लोग जानते हो कि जन्माष्टमी आ रही है, तो कमेंट में एक बार लिख दो जय श्री कृष्णा। बाय द वे अभी है ना, मैंने पोल कराया था कि मुझे किसका लुक क्रिएट करना चाहिए, एक तो था कृष्णा का और दूसरा था राधा का, तो 89% वोट आए कि आप राधा का लुक क्रिएट करो, तो मुझे है ना कृष्णा का भी लुक क्रिएट करना था। तो आज है ना हम सब लोग मिलकर ट्राई करेंगे कि एकदम बेस्ट लुक राधा का क्रिएट हो। तो उससे पहले है ना मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना पड़ेगा, शॉपिंग करनी पड़ेगी, तो चलो मेरे साथ। तो मैं आ गई रेडी होके, अभी मम्मा यहाँ पे मुझे लिस्ट बना के दे रही है, उसके बाद मैं मार्केट जाके सामान लेके आऊंगी। मम्मी बताओ क्या क्या लाना है मार्केट से? बिंदिया लाने की है, आलता लाने का है, फूल का हार। आलता मतलब वो लाल होने वाला ना? हाँ, जो हाथ को लगाते हैं, पैर को लगाते हैं, गुलाब का फूल, और चप्पल लाने की है जो मैचिंग रहती ना। तो मैं घर से निकल रही हूँ और शॉपिंग करने के लिए मैं जा रही हूँ मेरे मामा के साथ। तो सबसे पहले मैं ना मेरा राधा का ड्रेस ले लूंगी, फिर उसके बाद मैं जो छोटी मोटी शॉपिंग है ना वो करूंगी। तो देखो ये वाला आउटफिट मैंने फाइनल किया है, घर पे जाकर मैं आपको आउटफिट दिखाऊंगी। चलो, तो आउटफिट मैंने ले लिया है, वो राधा नहीं पहनती थी फूलों वाला हार कान में के गले में का, तो वो सेट है ना मुझे मार्केट से जाके लेके आना पड़ेगा। सो यहाँ पे हो गए, चलो अभी मार्केट चलो। अभी बस गजरा, आलता, फूलों का हार और चप्पल ही बाकी है। वो देखो वो वाली गजरे की बात कर रही थी अंकल, पीछे वो बाहर जो फूलों का हार लगा हुआ उसमें पिंक कलर का है क्या? अभी है ना लिस्ट में से कम कम हो रही है चीजें, अभी बस आलता रहा है वो जो हाथ को लगाते हैं, और गजरा रह गए। आलता है क्या तुमसे दौर? देखो ज्वेलरी भी लेके आई हूँ मैं मार्केट से, ये रही बिंदी, ये है नोज रिंग, कितनी मस्त है ना, और ये रहा ये फूलों वाला हार जो कि इसके लिए मैं मार्केट में बहुत घूमी हूँ, तो ये मुझे मिल गया। और मैंने है ना ये आउटफिट के लिए ये कमर पट्टा भी लाया है, देखो एकदम पतला सा कमर पट्टा। हो गया, आ गई मैं चेंज करके, प्रेरणा दी भी आ गई है, अभी हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। मैंने फेस वॉश कर लिया है, अभी मेकअप स्टार्ट करेंगे। इस बार मैं टेस्ट नहीं लूंगी। बंद बंद आई शैडो पैलेट है, ये देखो कितना सारा है इसमें। आई मेकअप स्टार्ट हो गया है, कौन सा वाला करना है दीदी? पिंक शेड में करेंगे, इसमें का पिंक अच्छा है ना? हाँ ये मैच हो जाएगा, है ना उससे आउटफिट उसके जैसा लुक चाहिए है ना। हमें व्हाइट कलर चाहिए आई मेकअप के लिए, देखो कट क्रीज कैसे की है दीदी ने। अभी प्रेरणा दी आईलाइनर लगा रही है, लॉन्ग लगा। अभी क्या लगाया? प्राइमर। दीदी क्या क्या निकाल रही है भाई। आंखें ऊपर करूं? हाँ, दो शेड मिक्स करके लगाएंगे। डार्क सर्कल पबजी खेल खेल के। अभी BGMI आया ना, BGMI खेलेंगे, क्या बोलते हो गाइस? दीदी यहाँ पे दो फाउंडेशन मिक्स करके फाउंडेशन लगा रही है। अभी दीदी ब्लश लगा रही है। हाँ। अभी लैशेस को कर्ल कर रहे हैं मेरे, ये देखो ये वाली लैशेस लगा रही है दीदी, मस्त है ना। ऑलरेडी लैशेस बड़े हैं लेकिन ठीक है, फिर भी लगाएंगे हम, लुक आना चाहिए ना प्रॉपर, इसलिए। चलो तो अभी लिपस्टिक लगाने का टाइम आ गया, लिपस्टिक लगाते हैं। हेयर स्टाइल कैसी बनानी है बताओ दी?
सिंगल ये करना है ना? हाँ, 2 घंटे हो गए होंगे, 2 से ज़्यादा। सो अभी हम फूलों वाला हार लगाएंगे और बिंदी लगाएंगे। सो अभी बस मुझे स्कर्ट पहनना बाकी है, फाइनल लुक तो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। देखो कैसा लगा है। बहुत मेहनत है। देखो पैरों को भी मम्मा ने आलता लगा दिया है। देखो तो क्या आप रेडी हो मेरा फाइनल लुक देखने के लिए? तो लेट्स गो। लेकिन है ना ये लुक रिक्रिएट करने के लिए हमें है ना पूरे 4 घंटे लगे, सर से लेके पैर तक हमने इतनी मेहनत की और बहुत टाइम लगा इसको करने के। अभी हम है ना थोड़े और फोटोज निकालेंगे क्योंकि व्यू देख रहे हो ना, व्यू कितना अच्छा आ रहा है तो फोटोज तो बनती ही है। तो मैं ना आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैंने इससे पहले भी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट किया और आपने मेरी बात मानी है, तो अगर आप मुझे दिल से चाहते हो ना तो जो मेरे ऊपर हेट वीडियो बना रहे हैं, रोस्ट वीडियो बना रहे हैं ना, तो प्लीज़ उनको जाके रिपोर्ट करो और कमेंट करो कि भाई तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, तू भी ऐसे ही अपनी माँ बहन की वीडियो बनाएगा क्या। ऐसी नहीं कि मैं वीडियो में बोल रही हूँ कि हाँ उनको ये करो, रिपोर्ट करो। मेरी मम्मी ने ना पर्सनली भी उनको मैसेज किया था कि मेरी बेटी के वीडियो हटा दो, ये करो, उन्होंने मेरी मम्मी को रिस्पॉन्स नहीं किया और उल्टा मम्मी के ऊपर वीडियो बना दी, हेट वीडियो बना दी। तो अभी है ना मेरी आप सब लोगों से ही उम्मीद है कि आप सब लोग उनको रिपोर्ट करोगे। और हाँ, आप सब लोगों की रिपोर्ट करने के वजह से यूट्यूब ने ना सात आठ ऐसी वीडियो है जो जिन पे ना कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक डाली है। सो थैंक यू सो मच उसके लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और रिपोर्ट करते रहो, और रिपोर्ट करने के बाद में है ना मुझे इंस्टा स्टोरी पे टैग करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट इंस्टा पे फॉलो कर लो। तो मैंने जो ये राधा का लुक क्रिएट किया है कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने बस है ना एक छोटी सी कोशिश की थी, अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना मुझे ज़रूर। और हाँ, आप सबको तो पता ही है कि मेरा सरनेम भी यादव ही है। और हाँ, मुझे कमेंट पे ये भी बताना कि क्या मुझे नेक्स्ट कृष्णा का लुक क्रिएट करना चाहिए, यानी कि मैं लड़का बन के मार्केट में वगैरह कहीं पर भी घूमने जाऊँ तो लोग क्या रिएक्ट करेंगे, चाहते हो आप तो बताओ मुझे कमेंट करके। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा ना तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में एक बार जय श्री कृष्णा हो जाने दो।